अगर आप भी ऐसा टैंक बनाना चाहते हैं प्लांटेड, तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से हेल्थी हैं ये मछलियाँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरा स्केप है, मैंने इसके नीचे जो देख रहे हैं आप, ये एक्वेरियम वाली सैंडी है जिसे मार्बल कहते हैं, बिल्कुल बारीक वाली, मैंने उसी का यूज़ कर रखा है इसको। ये पहले दिन की वीडियो है, एक दिन से लेकर के, और ये 60 दिन के अंदर में पूरी तरीके से ग्रो हो जाएगी। अभी पानी थोड़ा सा गंदा दिख रहा है क्योंकि मैंने इसका पानी थोड़ा चेंज किया है और पौधों को मैंने दोबारा से इसमें प्लांट किया है, देख सकते हैं आप। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी देख सकते हैं, मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। इससे यह होगा कि मेरी आने वाली आगे की वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये पहले दिन की वीडियो है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसके नीचे पूरा का पूरा, मैंने इसका कम से कम 2 से 2.5 इंच का इसका सरफेस बनाया है, ये देख सकते हैं आप। और इसके अंदर पूरा मैंने कर रखा है, ये देखिए 2 से 2.5 इंच का है सरफेस इसका। ये पहले दिन की वीडियो है और ये दूसरे दिन की वीडियो है। इसका पानी क्लियर हो चुका है और उनके हाइट के लिए थोड़ी जगह बना रखी है। किस तरीके से प्लांट ग्रो होते हैं आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा प्रेशर वाला ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है मैंने इसमें, ना ही मैंने CO2 का यूज़ किया है, ना ही इनके लिए कोई दूसरी ज़रूरी चीज़ों का यूज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ एक्वेरियम सैंड है ये और कुछ नहीं है। जो एक्वेरियम वाली होती हैं वही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये तीसरे दिन की वीडियो है, थोड़ा सा आगे से इसके ऊपर से थोड़ा पानी निकल रहा था इसके, जैसे इसका शीशा ख़राब हो गया है। ये देखिए हल्की हल्की सी इसके अंदर थोड़ी सी बननी चालू हो गई है और पौधे भी सही से ग्रो होने चालू हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए मछलियाँ भी सारी ठीक हैं, कुछ फिल्टर के पीछे छुपी हुई है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताइएगा। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है देखने में। आगे आने वाली अमेजिंग वीडियो के लिए देखते रहे आपका टैग कर। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। देखिए कितनी प्यारी दिख रही है ये एक्वेरियम में, प्रॉपर स्विमिंग कर रही है। ये भी पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी है फिश। और ये मेरी फिशेज हैं जो देखिए, ये 24 तारीख की वीडियो है, आप देख सकते हैं कि सैंड के नीचे हल्का हल्का ब्लैक पंचा जमा होना चालू हो गया है। जो बचा हुआ खाना होता है थोड़ा, वो उन तरीके से और प्लांट ग्रो होने चालू हो गए हैं। आप साइड में देख सकते हैं शीशे के साथ में एक प्लांट के साइड में से जड़े भी बाहर आने चालू हो रखी हैं और ये प्लांट अब ग्रो हो रहे हैं धीरे धीरे, पहले से ग्रो हो चुके हैं और प्लांट पूरे तरीके से स्वस्थ हैं। सारी मछलियाँ मेरी स्वस्थ हैं देख सकते हैं आप। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ग्रो हैं ये 7 तारीख चौथे महीने की वीडियो है, देखिए कितनी अच्छी तरीके से ग्रो हो चुके हैं, प्लांट भी काफ़ी बड़े हैं, देखिए कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो चुके हैं। इसमें मैंने एक सकर पेड़ छोड़ रखी है, इसके
इसके अंदर आप इसके शीशे के नीचे देख सकते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर का थोड़ा जमा होता है। और ये देखिए पूरी तरीके से ग्रो हो गया है, मैंने पूरा कवर कर लिया है टैंक को।